हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम लाए हैं पेडागॉजी ऑफ हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ लें कि आप अपने एग्जाम में बेहतर करें। जैसा आप सभी को पता है, आपके एग्जाम्स की डेट भी है, आपके पास पर्याप्त समय है। इस समय में किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारे पेपर्स अच्छे चले जाएँ। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्योंकि जितना ज़रूरी होता है कि हम उस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ें, उतना ही ज़रूरी होता है कि हम क्या ना पढ़ें। क्योंकि ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है, अलॉट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों में से हम कौन कौन से प्रश्न तैयार कर लें कि हमारा एग्ज़ाम बेहतर हो जाए। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हिंदी शिक्षण की। यहाँ पर आपके 6 यूनिट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला यूनिट होता है भाषा का स्वरूप, प्रकृति एवं हिंदी भाषा, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। दूसरा, हिंदी शिक्षण का उद्देश्य एवं लक्ष्य, भाषाई कौशल शिक्षण उद्देश्य एवं प्रक्रिया। ऐसे हमारे 6 यूनिट होते हैं और हर यूनिट को हमें पढ़ना होता है किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार कर लें कि हमारे एग्जाम में फंस जाएं। जैसा आप सभी देख रहे हैं, पहले यूनिट का पहला क्वेश्चंस इसमें क्या है। अगर आप देखेंगे, भारत का स्वरूप प्रकृति और हिंदी भाषा की बातें की जा रही है, और जहां पर भाषा का अर्थ है, प्रकृति है, भाषा के अधिगम के सिद्धांत हैं, तो फाइनली हमें इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन तैयार करना ही होता है। और पहला ही क्वेश्चन हमारा है, भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाषा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन आपका इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसी यूनिट में आगे की बात करें तो यहाँ पर हमें और भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना कुछ दे दिया गया है कि अगर पहले यूनिट से कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो लगभग उन प्रश्नों के आंसर आप दे पाएंगे, अगर इसी एक प्रश्न को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जो कि 2019, 2018, 2016 कई बार रिपीट हुआ है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि 2019 में आया था तो 2022 में नहीं आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं। क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण पर हमारे छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास निर्भर करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस यूनिट से देखो, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आना 101% डन है, 100% डन है। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते ना, तो दूसरा प्रश्न हमारा जो यहाँ पर था भाषा शिक्षण से संबंधित था, भाषा शिक्षण का अधिकम का सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। लेकिन अगर हम पहले प्रश्न को तैयार कर किए रहेंगे इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे तो इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से हम इस यूनिट के हर एक प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। इसलिए ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 101% आपके एग्जाम में आएगा। अब जैसे अगला प्रश्न भी देखेंगे तो मातृभाषा से ही संबंधित है। ऑलरेडी आपने दूसरा क्वेश्चन जो है मातृभाषा का ही तैयार किया, ठीक है, पहला क्वेश्चन भाषा का, दूसरा मातृभाषा का, तो वहां से आपकी चीजें लगभग क्लियर हो जा रही हैं। आप इन प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे और इस तरीके से आपके लॉन्ग टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो लॉन्ग टाइप में आपको इन दो प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जब आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट टाइप में जब आते हैं, भाषा का अर्थ बताइए, परिभाषा दीजिए, तो ऑलरेडी आप इसे लॉन्ग में तैयार कर चुके हैं। यहाँ आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन के माध्यम से इन क्वेश्चनों को आप लिख पाओगे। बस अब इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेना है कि जैसा भाषा सीखने की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, इनको बस आपको पढ़ लेना है, एक बार जान लेना है इनके बारे में। बाकी आपने पहले क्वेश्चन में इनकी तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। भाषा की अर्जित संपत्ति क्या है, तो पहले ही क्वेश्चन के माध्यम से लिख पाएंगे। भाषा शिक्षण, तो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों का आंसर ऑलरेडी पहले दिया गया है। मातृभाषा शिक्षण एवं विदेशी भाषा शिक्षण में क्या अंतर है, तो मातृभाषा के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, विदेशी भाषा के बारे में और जान लीजिएगा। बस दो लाइन की बातें हैं, इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। बालक में भावात्मक विकास का में मातृभाषा का महत्व क्या है, तो जब आप मातृभाषा पढ़ेंगे तो वहां पर इन सारी चीजों के बारे में भी आप वहां पर पढ़ ही लेंगे, वहां पर इन चीजों के बारे में मेंशन किया रहता है, तो आपको ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो जितने भी क्वेश्चन है मातृभाषा और भाषा से हैं, अब जब आपने उन प्रश्नों को तैयार कर लिया दो लॉन्ग टाइप के, तो आपके लगभग 100 टाइप के सारे क्वेश्चन तैयार अपने आप हो गए। अतिलघुत्री प्रश्नों को बस एक बार आपको देख लेना है सरसी निगाह से, जितने भी आपके अतिलघुत्री प्रश्न हैं इन प्रश्नों को एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। हर एक प्रश्न को देखे रहेंगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे, ए डन है। आगे की बात करेंगे, अगर हम दूसरे यूनिट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, उद्देश्य के ज्ञान के बिना छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान है जो दिशा के ज्ञान के अभाव में लहरों के थेपेड़े खेती हुई किसी भी तट पर
पर जा लगेगी। इस कथन को स्पष्ट कीजिए एवं माध्यमिक स्तर शिक्षा शिक्षण हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप इस यूनिट से तैयार कर लेना, क्योंकि इस यूनिट में कहीं ना कहीं क्या बातें की जा रही हैं, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य की बातें की जा रही हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण क्या है, फाइनली आप इसके बारे में आज जानेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो है उनके बारे में आप पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं से क्या अभिप्राय है इनके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। और वहीं पर आप देखेंगे जूनियर एवं माध्यमिक स्तर के हिंदी शिक्षण के उपायों के एवं लक्ष्यों के बारे में बात की गई है। यानी हमें एक क्वेश्चन ऐसा भी तैयार करना पड़ेगा जहां हम जूनियर और माध्यमिक और हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी शिक्षण उद्देश्य के बारे में तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, हमें एक क्वेश्चन ऐसा भी तैयार करना है जहां पर जूनियर और माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी स्तर शिक्षा के बारे में बात की जाए। जब आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो एक क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाती हैं जो इस यूनिट में होनी चाहिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन के माध्यम से आपने हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को कवर कर लिया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से आप कवर कर पा रहे हैं कि हिंदी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ हिंदी भाषा शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं, वो चाहे अब आपका जूनियर स्तर हो, चाहे आपका माध्यमिक स्तर हो, चाहे आपका उच्च माध्यमिक स्तर हो, सारी चीजों के बारे में आप पढ़ पाते हैं और इस यूनिट को कंप्लीट कर पाते हैं। आपके हर एक तरह के प्रश्न यहां से तैयार हो जाएंगे। मातृभाषा विदेशी भाषा में क्या अंतर है, ऑलरेडी आपने इनके बारे में पहले पढ़ा ही है, तो बहुत कुछ पढ़ने जरूरत नहीं है। इसमें जो हमारे स्तर थे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। शुरू होता है लघु उत्तरी, हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। जब ऑलरेडी आपने लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन तैयार कर लिया है इसी टॉपिक पे, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। मातृभाषा के बारे में भी आपने पढ़ा है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा दूसरा यूनिट है, अगर आपने वहां भी कुछ चीजें पढ़ा है तो उन्हीं के बारे में यहाँ लिखना है। बस इनके विभिन्न स्तर बता देना है, और स्तर के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है कि जूनियर स्तर क्या होता है, प्राथमिक स्तर क्या होता है, माध्यमिक स्तर क्या होता है, इनके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो आपका ये प्रश्न भी तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पाते हैं जब आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं एक दो हर यूनिट के, तो आपके शॉर्ट टाइप के सारे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जा रहे हैं। बस अतिलघुत्री प्रश्नों को आपको तैयार करने की जरूरत होती है, लेकिन एक प्रश्न आप जरूर याद करिएगा, लक्ष्य एवं उद्देश्यों का अंतर क्या होता है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़िएगा, डिफरेंस से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो एक प्रश्न आपका यहां से भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की, जहां पर बातें हो रही है भाषाई कौशल शिक्षण एवं उद्देश्यों प्रक्रिया की। यहां पर बातें किन टॉपिकों पर होंगी, श्रवण कौशल उद्देश्य विकास के बारे में, वाचन के बारे में, पठन के बारे में, लेखन के बारे में, ये सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहे हैं। भाषा प्रायोगिक कौशल है, ध्यान देना यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा प्रयोग एक कौशल है, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेना, और एक क्वेश्चन आपको श्रवण कौशल से भी याद कर लेना है, जो कि आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, श्रवण दक्षता एवं श्रवण कौशल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्य एवं शिक्षण क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो आपका जो पहला टॉपिक होता है श्रवण कौशल उद्देश्य एवं विकास, इनके बारे में आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और भाषा का प्रयोग एक कौशल है, कहीं ना कहीं इनके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तैयार करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, और जब आप दूसरा प्रश्न तैयार कर लेंगे तो वो सारी चीजें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर हम वाचन से भी पढ़ लेंगे, और ऐसा क्वेश्चन पढ़ें जहाँ पर सारी चीजें कवर हो जाएं, जैसे कि वाचन कौशल का अर्थ भी क्लियर हो जाए, इनके उद्देश्य भी क्लियर हो जाए, इनके विकास के उपाय भी क्लियर हो जाएं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हमारे जब शॉर्ट में आते हैं तो आपसे सिर्फ उद्देश्य ही पूछ लेता है, ठीक है, या इनके विकास के उपाय ही पूछ लेता है, या अर्थ ही पूछ लेता है, तो आपका वो सारे क्वेश्चंस चाहे लॉन्ग के हों चाहे शॉर्ट के हों सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न पढ़ने की बिल्कुल भी जवाब आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, इन क्वेश्चनों के थ्रू आपका ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। और वहीं पर एक क्वेश्चन हम आपका पाठन कौशल का भी तैयार करने के लिए कहेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमारे शॉर्ट टाइप के हैं, लॉन्ग टाइम में दिए गए, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े आराम से इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप लेखन कौशल का भी तैयार कर लेना। लगभग इस यूनिट के हम हर एक टॉपिक हर एक चीजों को कवर कर लिए जो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए थे, तो इनको भी आप तैयार कर लेना, क्योंकि इनके इतना तैयार करने के बाद आपका ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में आपने पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है। और दूसरी चीज कौशल का अर्थ, एक क्वेश्चन जो हम ले लेंगे यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौशल का अर्थ बताइए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा।
उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों का हम जो है विवेचना भी करेंगे, हालांकि हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं, सिर्फ वही क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पाठ योजन और इकाई योजन का अर्थ क्या है? तो पहला क्वेश्चन मैं इसमें आपको नहीं कहूंगा, इसके लिए मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस को रिकमेंड करूंगा, जहां पर मैं आपसे बता रहा हूं। यहां पर आपका मैं सेकंड क्वेश्चन ही ले लूंगा, कविता क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कविता क्या है, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। कविता के शिक्षण उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं यहां से और लेना चाहूंगा, अगर उस टॉपिक के ऊपर यहां पर क्वेश्चन हो तो। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था, जो कि दूसरा ही क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कहेंगे, ये अलग क्वेश्चन है। रचना शिक्षण उद्देश्य का प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। द्रुत पाठ का अभिप्राय क्या है, बस अगर आप इनका अर्थ भी पढ़ लेते हैं दैट सफिशिएंट, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, रचना शिक्षण कौशल। और हाँ, इस क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा था, जिस क्वेश्चन की बात मैं आपसे कर रहा था कि पाठ योजन से आप क्या समझते हैं, पाठ योजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पाठ योजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, पाठ योजन से क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, सभी लोग पढ़ के जाइएगा, और इसी के माध्यम से आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेंगे लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी, इन प्रश्नों को भी आप देखते चलिएगा। जैसे हिंदी गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बारे में आप काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पहले से पढ़े रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेंगे तो ये क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो जाएंगे, और बेहतर होगा कि हम इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। जब गद्य और पद्य के अंतर को जान जाएंगे तो हम इनके बारे में कुछ भी लिख पाएंगे, तो बेहतर होगा कि हम इसी प्रश्न को तैयार कर लें, जिसके माध्यम से गद्य भी तैयार हो जाए और पद्य भी तैयार हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इकाई चार की, जहां पर सहायक सामग्री एवं सहायक साधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को ही हम आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख देंगे। पहला प्रश्न जो है हमारा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे यहां पर, कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या है, ये सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आप जरूर तैयार करना जिसमें हम आपको बता रहे हैं भाषा प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं, भाषा प्रयोगशाला से क्या समझते हैं। जब आप हर एक यूनिट के कुछ क्वेश्चंस तैयार किए रहेंगे तो उस यूनिट के हर एक प्रश्न को आप लिख पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन फिर आपका बचेगा नहीं, हर एक प्रश्न आपका हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग के लिए सुझाव दीजिए, ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी जरूर याद करिएगा। लास्ट यूनिट की बात करेंगे तो आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम डायरेक्टली इसमें चलेंगे सिर्फ लघु उत्तरी प्रश्नों पे, हम आपको विस्तृत उत्तरी में कोई भी क्वेश्चन अब आपको नहीं बताएंगे। यहाँ पर लघु उत्तरी का बस मूल्यांकन ही हमारा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो कि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि हमने वेरी इंपॉर्टेंट में रख रखा है, इसको भी आपको पढ़ ही लेना है, अनुसंधान का क्या अर्थ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में हो सकता है, वो कहीं किसी भी माध्यम से लघु उत्तरी या आपको लॉन्ग टाइप में देखने को मिल सकता है। तो इतने प्रश्नों को तैयार करने के बाद लगभग आपकी तैयारी फुलफिल हो जाएगी, और आप इस यूनिट के इस हिंदी के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर पाओगे। इसके बाद हम आपको वीडियोस लाएंगे, हर एक यूनिट के वीडियोस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन प्रश्नों की समीक्षा करते हुए आप अगर तैयार कर लेंगे तो अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो गाइज, जैसा भी लग रहा है आप शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। सो थैंक यू बच्चों, एंड जय हिंद।